Good morning, student. In this video, you will learn of your third lesson, which is input and output device. So in this video, you will learn about the input and output devices which you used whenever you use computer. So now let's begin with this video. Lesson 3, input and output devices. So you have learned in the previous chapter that how a computer works in the three stage, like input, process, then output. So it accept input, process the data according to the set of the instruction, then it store it and give it the meaningful output. A computer system has four main component like input unit, central processing unit, output unit, and secondary storage unit. So here the secondary storage unit is the mean of memory unit. So in this chapter, you will learn about these the basic unit, which is input and output devices. So now let's begin with this from input units. So in the input units, we will discuss about the devices which is used for the inserting data or information into the computer. So the basic definition of input devices is devices which we use to insert the data or information, any kind of information, into the computer. Okay, so these devices are known as a input device. अगर हम बात करते हैं बेसिक हिंदी में तो डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, जस्ट लाइक योर कीबोर्ड, माउस एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, लेटर्स या अल्फाबेट्स को हम लोग टाइप करके इंसर्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, माउस से हम लोग उसको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल पे क्लिक करना है. ठीक है, सो ये डिवाइसेस यूज होते हैं इंसर्ट करने के लिए डेटा कंप्यूटर में. तो जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं इंसर्ट करने के लिए, वो सारे डिवाइसेस कहलाएंगे आपके इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माउस हो गया, उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका स्कैनर हो गया, आपका वेबकैम हो गया. ठीक है, तो वेबकैम भी क्या करता है कि सीन को कैप्चर करता है, फोटो को कैप्चर करता है और कंप्यूटर के अंदर इनपुट उस पर्टिकुलर इमेज को डालता है, फिर डिस्प्ले से हमको पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पिक्चर कैप्चर हुई है. तो हम बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हो. ठीक है, तो अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो जो स्क्रीन है आपका, मॉनिटर है, वो आपका डिस्प्ले स्क्रीन हो गया. और लैपटॉप पे आपको पता ही है कि डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, जिससे आप लोग व्यू जिस पे आप लोग व्यू कर पाते हो. ठीक है, तो वो डिस्प्ले स्क्रीन आपका कहलाएगा आउटपुट डिवाइस. ओके, सो बेसिक डेफिनेशन आउटपुट डिवाइसेस की क्या हो गई, द डिवाइसेस व्हिच वी यूज्ड टू शो द डेटा और गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. ओके, सो ऑल द डिवाइसेस, दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज अ आउटपुट डिवाइसेस. ये है बेसिक डेफिनेशन आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस की. बस सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डिफरेंस है कि जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं इनपुट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज को कंप्यूटर में, वो सारे डिवाइसेस कहलाएंगे इनपुट डिवाइसेस. ओके, और जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर यूज करता है या हम लोग जब यूज करते हैं टू गेट द आउटपुट और टू शो द आउटपुट, ठीक है, वो सारे डिवाइसेस कहलाएंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस. अब हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को देख लेते हैं. ठीक है, ईजी है, आप लोग ने पहले भी इस चैप्टर को कई बार पढ़ा होगा, मतलब प्रीवियस क्लास में भी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट का, वो है कीबोर्ड. ओके, सो कीबोर्ड इज अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. सो देयर आर द मेनली फाइव टाइप ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. ओके, मैं आपको बता देता हूँ फाइव टाइप्स की, जितने आप लोग अगर कीबोर्ड देख पा रहे हैं. ठीक है, इफ यू आर watching this video on your computer, so you can see the keyboard, and if you are watching on mobile, so I'll show the images of keyboard. Okay, so there are the several type, like five type here given. Okay, so typing keys, control keys, function keys, navigation key, numeric pad. Okay, so keyboard में जितनी सारी keys होती हैं, about more than 100. ठीक है, तो ये सारी ये इन सब कीज को जो भी है इन पूरे ग्रुप को फाइव टाइप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो फर्स्ट जो है आपका टाइपिंग कीज, तो ये जितने भी आप इसमें आपके कीबोर्ड में अल्फाबेट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे अल्फाबेट्स और जो भी आप लोग टाइप करते हैं ये सिंबल्स वगैरह, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, टाइपिंग कीज. सो दीज कीज इंक्लूड लेटर, न्यूमेरिक नंबर्स, ओके, पंक्चुएशंस एंड स्पेशल सिंबल्स. ओके, सो ऑल दीज कीज आर इन योर कीबोर्ड इज नोन एज अ टाइपिंग की. So these keys
also include the shift caps lock, space bar, back space and tab key. Okay, now control keys. So control keys कौन कौन सी होती है? So control keys होती है आपकी, जैसे कि alt का आप बटन देख रहे हैं, control का बटन देख रहे हैं, विंडो अगर लोगों का आप लोग आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में हो गई, ठीक है, ये बटन जो आप लोग देख रहे हैं, सो ये कीज क्या कहलाते हैं आपकी, कंट्रोल कीज। सो दीज कीज आर इन द यूज्ड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर कीज टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके, जब भी हम लोग कंट्रोल ए टाइप प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल के लिए सेलेक्ट होता है, ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं तो वो शट डाउन या रीस्टार्ट के लिए जो वो पूरी विंडो आती है वो उसके लिए शो होता है, ठीक है। विंडो अगर की आप लोग देख रहे हैं उसको अगर आप लोग डी के साथ में प्रेस करोगे तो डेस्कटॉप आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कीज है जिसको हम लोग अकेले भी यूज कर सकते हैं और विद एनी अदर कीज भी कॉम्बिनेशन में साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये कीज कहलाती है आपके कंट्रोल्स की। फंक्शन की F1 से लेके F2 तक, F12 तक जो भी कीज होती है वो सारी आपके फंक्शंस की कहलाती है। सब कीज का अपना अपना एक वर्किंग मेथड होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये से नेविगेशन की, तो भी ये जो आप लोग अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट वाली जो कीज देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपके नेविगेशन की कहलाती है। और अगर आपके लैपटॉप में अगर कीपैड न्यूमेरिक कीपैड अलग से है तो ये होम, ठीक है, दीज कीज इंक्लूड एरो, ओके, इंक्लूड होते हैं इसके अंदर आपका होम एंड अप एंड डाउन ये कीज इंक्लूड होती है, डिलीट एंड इंसर्ट कीज भी इंक्लूड होती है। नाउ न्यूमेरिक पैड, सो न्यूमेरिक पैड में क्या आएगा आपका, जो साइड में आपके राइट हैंड पे जो एक अलग से कीबोर्ड के अंदर सेक्शन होता है, ठीक है, ये इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है, ठीक है, इस सेक्शन को आप लोग बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। ओके, ये देखिए, ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग इन कीज को आप लोग बोल सकते हैं जो रेड सेक्शन में दे रखे हैं, इनको न्यूमेरिक कीज बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कीज होते हैं, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट द एनी टाइप ऑफ नंबर और सिंबल्स। ओके, यहाँ पे आपका जो ये ऑरेंज कलर के सेक्शन में जो है ये सारे आपके फंक्शन कीज होते हैं, ठीक है, F1 से लेके F12 तक, यहाँ से ये सारे आपके न्यूमेरिक पैड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो अल्फाबेट वाली जो कीज होती है ये लेटर्स होते हैं, तो ये न्यूमेरिक कीज और अल्फाबेटिकल कीज ये सारे मिलकर क्या कहलाती है आपकी, टाइपिंग कीज। ओके, फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन के अंदर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, नेविगेशन की और ये होम एंड अप एंड डाउन एंड इंसर्ट एंड डिलीट वाला जो ये सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन कंट्रोल या नेविगेशन की। ओके, और ये जो लास्ट में आपके राइट एंड पे ये जो पूरा सेक्शन होता है 1 2 3 4 नंबर से लेके प्लस एंटर और ये जो भी ऑपरेटर्स के जो सिंबल्स यहाँ पे, सॉरी, जो कीज यहाँ जो डेडिकेटेड है इन सबको हम लोग बोलते हैं नंबर पे। ओके, सो आई होप यू आर वेरी वेल नॉन अबाउट योर कीबोर्ड एंड अबाउट दीज कीज टाइप्स। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो सेकेंड वन इज इनपुट यूनिट के अंदर है आपका माउस। सो माउस आप लोग यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, सो देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ माउस आल्सो हियर। ओके, सो माउस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड फ्लोटिंग डिवाइसेस, सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, हम लोग पॉइंट करते हैं पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो मेरे को इसको सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, सो डिवाइसेस दैट लेट यू सेलेक्ट एंड मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन। सो द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू फ्रिक्वेंटली। ओके, जब आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग लेफ्ट वाला बटन को बार बार प्रेस करते हैं टू सेलेक्टिंग एनी डिवाइस, सॉरी, एनी आइकन और एनी फाइल। ओके, इफ यू आर प्रेसिंग द राइट बटन, ओके, सो दैट टाइम यू विल गेट द अदर ऑप्शन लाइक प्रॉपर्टीज और कॉपी सेलेक्ट, ओके, दीज ऑप्शन। सो ए सिंगल लेफ्ट क्लिक select an item while the double click on the item is active on the applications, ठीक है। तो जब आप लोग select single click करते हैं तो particular वो item क्या होता है, select होता है, ठीक है, just like it। अगर आप लोग उस पर double click करेंगे तो particular icon पे left double click करेंगे तो क्या होता है, वो direct open हो जाता है, ये बताया, ठीक है। So right click on the display the list of command on the screen, you can also get the access of property setting with the right click। Okay, dragging and drop make it easy to move item on the screen with the simple technique. One can delete, copy and move the file in the file manager. So my mouse also used to drag drawing package or to draw freehand lines, circle, box and other
कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक इमेज। ओके सो पॉइंटिंग डिवाइस है तो आप लोग यूज कर सकते हो इसको आपके फ्री हैंड ड्राइंग लाइन सर्कल्स इन सब को ड्रॉ करने के लिए। ओके सो इसी के साथ में अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपका जो टप जो टच पैड होता है वो भी एज अ पॉइंटिंग डिवाइस है, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है सो टाइप्स ऑफ माउस देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। ओके सो मैकेनिकल माउस, अभी ये माउस जो है वो यूज में नहीं आ रहे हैं। इस मैकेनिकल माउस में अगर कभी आप लोगों को देखने को मिला हो ये, तो इसके नीचे की साइड में क्या होती है, बॉल होती है, वो बॉल रोल करती है और उस बॉल के रोलिंग सेक्शन से ये डिटेक्ट करता है कि पॉइंटर को किस तरफ लेके जा रहा है। ओके सो दिस टाइप ऑफ माउस हैज द मेटल एंड रबर बॉल ऑन इट्स लोअर साइड दैट कैन रोल इन ऑल डायरेक्शन। ओके द स्क्रीन पॉइंटर मूव अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल व्हिच इज डिटेक्टेड बाय द मैकेनिकल सेंसर विद इन द माउस। ओके सो उसके अंदर जो बॉल जैसे हम लोग रोल होती थी, ठीक है, इस माउस के अंदर क्या होता है, जहां पे आप लोग अगर वैसे अभी जनरली हम लोग ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं, तो अगर आप माउस को उठा के देखेंगे तो आपको रेड कलर की लाइट दिखती है। उस रेड कलर की लाइट की जगह एक बॉल होती थी पहले, ठीक है, उस बॉल को इस तरीके से फिट किया जाता था कि अगर आप लोग माउस को अगर नीचे रखेंगे, ठीक है, तो बॉल का जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है वो क्या होता था, जो आपके सरफेस पर टच होता है, और सरफेस पर टच होने से क्या होता था कि जब भी आप लोग माउस को ऐसे मतलब राइट लेफ्ट और ड्रैग करेंगे तो वो बॉल भी क्या होगी, वो रोल करेगी। और उस रोलिंग मेथड से क्या करते थे, सेंसर्स पता लगाते थे कि पॉइंटिंग डिवाइस सॉरी पॉइंटर्स को किस तरफ मूव करना है। तो ये था मैकेनिकल माउस का कवर। फिर उसके बाद में आते हैं आपके ऑप्टो मैकेनिकल माउस। सो दिस टाइप ऑफ माउस यूज द मैकेनिज्म सिमिलर टू द मैकेनिकल माउस, ओनली द डिफरेंस इज दैट इट यूज ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट द मूवमेंट। ओके सेम वर्किंग वही होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, बॉल की जगह ऑप्टिकल यूज कर लिया जाए। ठीक है नाउ ऑप्टिकल माउस, द ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूव पार्ट, द लेजर टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस, एंड ऑप्टिकल माउस इज मोर इफिशियंट एंड एक्सपेंसिव देन द मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ओके सो ये जो ऑप्टिकल माउस होते हैं ये इससे एक्सपेंसिव होते हैं और ये इजीली क्या बोलते हैं ट्रैक डिटेक्ट कर लेते हैं सेंसर्स आपके पॉइंटर के मूवमेंट को। ठीक है तो इसमें होता है कि जो आप लोग अभी यूज कर रहे हो माउस, ये सारे ऑप्टिकल माउस है। ठीक है क्या करती है, लेजर जो बीम आती है रेड कलर की, ठीक है, अगर आपके ब्लू कलर का आ रहा है तो भी ठीक है, वो ब्लू कलर की बीम क्या होती है, नीचे आपके टच पैड पर क्लिक करती है, मतलब कि इम्प्रेशन आता है उसका, और फिर वो रिटर्न वापस आपके माउस में जाती है। ठीक है सो रिटर्न वापस माउस में जाती है, तो जैसे जैसे आप लोग माउस को ट्रैक करोगे तो उसकी लेजर की पोजीशन में भी क्या होगा, मूवमेंट आएगा और उस मूवमेंट को वो डिटेक्ट करता है, जैसे उसी के हेल्प से फिर क्या करता है, पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन मूव होता है। ओके सो ये था आपका सेकेंड इनपुट यूनिट। ओके फिर बात करते हैं हम लोग स्कैनर की, तो स्कैनर क्या काम करते हैं, सो स्कैनर काम करते हैं आपके किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और उसको कन्वर्ट करते हैं उसके हार्ड कॉपी को इनटू डिजिटल इमेज में। सो एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन द टेक्स्ट इमेजेस ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली, ओके द स्कैन डेटा इट्स कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल इमेजेस एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो टाइप ऑफ स्कैनर देख लेते हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, इमेज सॉरी हैंडहेल्ड स्कैनर। ओके so these three scanner are here. So drum scanner, so this is the most efficient and expensive scanner. It is used to rotating glass with a drum to scan. Okay क्या होता है कि अगर आप लोगों ने फोटोकॉपी वाली जो बड़ी मशीन देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, ग्लास का रोलर उसके अंदर रोल होता है। ठीक है जब भी आप लोगों ने कभी फोटोकॉपी कराई हो तो वो क्या करता है, उस इमेज या सॉरी उस पेपर को क्या करता है, उसके बेड पे रखता है और उसके ऊपर उसको उसका कवर रखता है, तो एक रोल होता है ग्लास जिससे क्या करता है वो उसको पर्टिकुलर उस पूरी जो पेपर की इमेज को स्कैन कर लेता है। ओके सो इन द ड्रम स्कैनर द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी स्कैन्ड इट इज स्प्लिट इनटू सेपरेटेड रेड ब्लू एंड ग्रीन बीम ऑप्टिकली तो मेकिंग द इमेज प्रेसाइज। ओके सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑप्टो मल्टीप्लर ट्यूब टेक्नोलॉजी। So the drum scanner is used mainly in the publishing industry to the print high quality images in the book and magazines. Okay, so ये कहाँ use होते हैं, ये use होते हैं आपके publishing industry में, जब यहाँ पे भी आपके ये books वगैरह ये सारे publish होती है या फिर print वगैरह होती है वहाँ पे use करते हैं। Now flatbed scanner,
So this is the popular desktop scanner. It is used like a miniature printer. Okay, ये अभी आप लोगों को जो स्कैनर है वो अलग से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? बहुत कम शॉप्स होती है जहाँ पे अलग से स्कैनर मिलता है. अभी जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो एक्चुअली दे आर एबल टू स्कैन एनी डॉक्यूमेंट एंड दे आर ऑल्सो एबल टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. ओके, सो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा या आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है? अब वो अगर स्कैन कर रहा है तो वैसे इनपुट काम कर रहा है और अगर प्रिंट कर रहा है तो वैसे आउटपुट काम कर रहा है. सो ओके, सो दिस डिवाइस इज नॉन एज अ हाइब्रिड डिवाइस. ओके, हाइब्रिड बोल देते हैं अब इन लोग इन डिवाइसेस को, ठीक है? क्या क्या हो रहा है कि वो आपकी स्क्रीन क्या सॉरी जो वो पर्टिकुलर डिवाइस है वो क्या करता है, स्कैन भी करता है. तो स्कैन कर रहा है तो वो एज ए इनपुट हो गया और अगर प्रिंट कर रहा है तो वो एज ए आउटपुट हो गया. ओके, सो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि अब उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी जनरेट कर रहा है. ओके, सो दैट टाइम वी कैन से दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ हाइब्रिड 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 डिवाइस. ओके, सो नाउ फ्लैट बेड स्कैनर की बात कर रहे थे हम लोग. सो इन द फ्लैट बेड स्कैनर द ऑब्जेक्ट इज टू बी स्कैन इज प्लेस्ड द फेस डाउन ऑन द ग्लास विंडो. ओके, व्हिच इज देन इल्यूमिनेट अ लाइट ब्राइट. ओके, इट यूजेस द चार्ज कपल्ड डिवाइसेस. ओके, टेक्नोलॉजी टू रीड द एंटायर एरिया ऑफ ऑप्टिकल. सो डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज द फ्लैट बेड स्कैनर इट कैन फिट द स्टैंडर्ड और लीगल साइज डॉक्यूमेंट. ओके, एंड इट्स फ्लेक्सीबल टू कवर अलाउ यू कैन सॉरी यू कैन यू स्कैन द बुक न्यूज पेपर आर्टिकल फोटोग्राफ एंड एक्सेट्रा. द फ्लैट बेड स्कैनर इज यूज इन होम स्कूल एंड मीडियम साइज ऑफिस, ठीक है? सो फ्लैट बेड स्कैनर हम लोग पहले यूज करते थे, ठीक है? वहाँ पे क्या होता था कि एक उस डिवाइस के अंदर जैसे आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, एकदम थिन होता था. यहाँ पे आप लोग उस पेपर को जिसको भी आपको स्कैन करना है वो आप लोग यहाँ पे फेस को उसको उल्टा रख देते थे और फिर उसका कवर लगा देते थे, ठीक है? फिर जैसे स्कैन पे क्लिक करोगे तो अंदर से ग्लास रोल होता है और रोल होकर वो क्या करता है उस पर्टिकुलर उसको स्कैन कर लेता है, ठीक है? सो ये यूज होता है आपके ऑफिस होम में, बट अभी आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा, केवल स्कैनर, ठीक है? बिकॉज नाउ इन दीज डेज वी आर यूजिंग द हाइब्रिड डिवाइसेज. ओके, विच कैन एबल टू प्रिंट और स्कैन ऑल्सो. ओके, सो नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, ये आप लोगों ने मेरे सबसे अभी तक नहीं देखा होगा, बट यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है? एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं और इंस्ट्रक्शन दे के पेपर पर रोल करते हैं, ठीक है? सो रोल करोगे आप वैसे जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है? ये तो आपको क्या कर देता है, पर्टिकुलर इमेजेस को प्रिंट कर देगा. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल मैनुअल डिवाइस विच इज ड्रैग्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इमेजेस टू बी स्कैन. ओके, तो स्कैन भी कर देता है. अभी हैंडहेल्ड प्रिंटर भी आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको स्कैन करना है तो आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर स्कैन करने के लिए इसको ड्रैग करना होता है. सो दीज स्कैनर आर ऑपरेटेड बाय हैंड. इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट दीज स्कैनर एज दे नीड टू स्टेडी हैंड टू स्कैन ऑब्जेक्ट. ओके, इन द ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्ट्रॉयड इमेज. द बार कोड स्कैनर इज द वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज हैंड हेल्ड स्कैनर यूज इन द शॉपिंग मॉल. ओके, सो बार कोड स्कैनर जो क्या है, एंड एक हैंड हेल्ड, मतलब कि हैंड हेल्ड का मतलब हो गया कि आप उसको हाथ में पकड़ के उसको स्कैन कर सकते हो. बट अगर आप लोग इमेज स्कैन कर रहे हो तो जैसे अगर आप लोगों ने पनोरमा जो फोटो है आपके फोन से जब उसको क्लिक करी होगी तो जब 270 डिग्रीज पे आप उसको रोल करते हो कैप्चर करने के लिए फोन को, ठीक है? तो अगर आपने स्पीड को बढ़ाया या घटा दिया, ठीक है, तो वो क्या होती है, इमेज में डिस्टॉर्शन आने लग जाता है, ठीक है? वो इमेज कहीं ना कहीं से खराब सी होने लग जाती है, ठीक है? सो सेम, अब आपको अगर वो इमेज को अगर सही रखना है तो आपको स्पीड जो है रोलिंग की आपके फोन की उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है? सो कॉन्स्टेंट आप लोग स्पीड रखोगे तो इमेज एकदम परफेक्ट आती है. तो वैसे ही क्या होता है कि स्कैन करते वक्त जब हम लोग हैंड हेल्ड स्कैनर का काम ले रहे हैं, ठीक है, तब हमको एक पर्टिकुलर स्पीड से उसको, मतलब आप एक कांस्टेंट स्पीड रखिए उसको स्कैन करने के लिए, ठीक है? कम या ज्यादा आप लोग करोगे तो वो जो इमेज स्कैन होगी वो क्या होगी, वो प्रॉपर तरीके से सही स्कैन नहीं होगी, ठीक है? तो ये होता है. ऐसे ही जैसे आप लोग ये हैंडल स्कैनर देख रहे हैं, सेम एज इट इज ऐसा ही आपका एक प्रिंटर भी आ रहा है, ठीक है, मार्केट में. तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंडल प्रिंटर, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पेपर पे उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? सो ये था आपका थर्ड पॉइंट ऑफ इनपुट यूनिट का, जिसमें हम लोगों ने बात की स्कैनर्स की, ठीक है? नाउ ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन. ओके, सो
अगर आप लोग यूज कर रहे हैं गूगल लेंस आपके फोन में, या फिर एक आता है कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है, गूगल का एक प्रोडक्ट है, मतलब कि एप्लीकेशन है, तो उसमें जैसे ही आप लोग अगर आप लोग की बुक को अगर कैप्चर करोगे, सॉरी, ओके, तो अगर आप लोग बुक की अगर पिक्चर कैप्चर करके उसके अंदर डालोगे, तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को क्या करता है, रीड करके आपको एक नया उसमें, आपको अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे दे देगा, अगर आपको आपकी उसमें टेक्स्ट फाइल में चाहिए तो वो टेक्स्ट फाइल में उसको कॉपी करके दे देगा, ठीक है। तो उसने किया क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उसने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ठीक है। तो पहले जब ये गूगल का एप्लीकेशन नहीं थी, तो हम लोग इस डिवाइस को यूज करते थे टू गेट द कैरेक्टर्स, ओके, टू रीड इट। सो इट इज द यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम द प्रिंटेड पेपर इन टू द कंप्यूटर। द शेप ऑफ द कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बाय द OCR थ्रू द लाइट सोर्स इन द कंजक्शन विद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। When the text page is scanned, it converted into the a computer readable form and reproduce it in a form that looks similar to a page that has been typed. The software that can place the text into the document that can be edited using any word processor or text editor. Okay, तो ये करता है आपके उस particular जितना भी text लिखा हुआ है paper पे, उसको क्या करता है, उस text को recognize करके आपको आपके टेक्स्ट एडिटर में प्रोड्यूस कर देगा वो आपको, ठीक है। तो ये यूज होता था कि आपके किसी भी पेपर पे आपको अगर वो पेपर को टाइप नहीं करना है, इतना बड़ा पेपर, तो आप लोग क्या करते हो, OCR के से उसका पूरा टेक्स्ट उसको गेट कर सकते हो इन अ सॉफ्ट कॉपी, ओके। तो वहां पे आपका क्या होगा कि इमेज से कॉपी नहीं होगा, आपका टेक्स्ट टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है OMR। तो OMR शीट आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। तो OMR शीट पे जब हम लोग बबल्स को फिल करते हैं, तो वो कैसे उसको रीड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सो OMR इज अ डिवाइस दैट कैप्चरिंग द डेटा फॉर्मड बाय डार्क एंड लाइट मार्क ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द पेपर। सो इट इज अ स्पेशल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द मार्क मेड विथ इंक और पेपर विथ इंक ऑन पेंसिल, ओके। सो OMR रिक्वायर अ स्पेशल प्रिंटेड पेपर दैट कंटेन्ड बॉक्स और सर्कल for shading. So the shading mark are translated into electrical signal based on the presence of or absence of the shaded marks. The this format is used to the various entrance exam. Okay, so अभी आप लोगों को पता है कि जितने भी जो पहले एग्जाम होते हुए, ठीक है, अब आजकल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, तो अब लोग क्या हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने लगे हैं। बट जब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं होते, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पे हम लोग जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन एग्जाम सॉरी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो कौन सी शीट्स का यूज लेती है, वो OMR शीट का यूज लेती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रेड कलर की एक शीट देखी होगी या फिर ग्रीन कलर में, जिसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं, जब आप लोग नेम उसमें एंटर करते हो, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर आपको अल्फाबेट को उसको या तो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से उसको फिल करना होता था, ठीक है। सो वो कहलाती है आपकी OMR शीट, और उसको रीड करने के लिए ये जो डिवाइस है ये कहलाता है आपका ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ठीक है। तो ये डिवाइस आपका क्या हो गया, ऐसे इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इमेज सॉरी उसको इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया और कंप्यूटर में उसको इंसर्ट किया फॉर द फर्दर यूजेस। नाउ MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये कहाँ काम आता है, ये आपके काम आता है बैंक के अंदर, ठीक है। आजकल जो चेक्स आ रहे हैं उसके अंदर जो नंबर होते हैं, उसके अंदर वो जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक से प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। वो स्पेशल टाइप ऑफ इंक जो इंक से जो भी प्रिंटेड है, उसको हम लोग इस रीडर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो MICR इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द बैंक इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ द चेक, ओके। सो दिस टेक्नोलॉजी अलाउ द कंप्यूटर टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। सो MICR कैरेक्टर आर प्रिंटेड इन द स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइपफेस with the magnetic ink or toner, usually containing the iron oxide. So as the machine decode the MICR text, the first magnet ties the characters in the plain surface on the paper. Then the character are passed over the MICR read head, a device similar to the playback head of the tape recorder. As each character pass over the head, it produces a unique wave from the that can easily be identified by the system. So
So unlikely barcode or the similar technology MICR can easily be read it by the human. Okay. So जैसे बारकोड आप लोग देख सकते हैं, वैसे क्या होता है कि जो MICR का जो प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, जो प्रिंटिंग है वो भी आई बाय ह्यूमन इट कैन बी रीडेबल. ओके, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग बारकोड की. सो बारकोड आप लोगों ने देखे होंगे जब भी आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब भी उस पर्टिकुलर आइटम जो भी आप लोगों ने परचेज किया है तो उसका जो पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से कितने प्राइस का है, क्या मटेरियल है या क्या आइटम है, ठीक है. सो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी होती है, उस पर्टिकुलर एक बार कोड में जो आप लोग लाइन्स देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड. उस बार कोड के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड छुपी हुई होती है, ठीक है. उसके इस तरीके से कोड किया जाता है कि उस बार कोड में वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है. उसमें क्या क्या रहता है, आइटम का नेम, आइटम की कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ओके, एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर फिल्ड होती है, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए भी एक पर्टिकुलर रीडर की जरूरत होती है, क्योंकि वो ह्यूमन अगर हम लोग देख भी लेंगे तो हमको उसको पता नहीं चलता है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर आप लोग केवल बार कोड की बात करते हैं तो, ठीक है. तो उसको पढ़ने के लिए हमको एक रीडर की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर. सो इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. नाउ जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक कहाँ काम आता है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है. क्या करता है आपका, जैसे कि आप लोग अगर गेमिंग कंसोल में इसको यूज़ करते हो कई बार, ठीक है, या फिर अगर आप बात करते हैं कि मूवमेंट करना हो किसी भी कैमरे का, ठीक है, अगर वो डिजिटल उसमें है तो, ठीक है. सो ये जो भी आपका नेविगेशन की कहलाता है, जो भी आपकी नेविगेशन की जो काम करती है वो सारे काम ये करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है. तो मेनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं गेम्स पार्लर के अंदर. जब भी हम लोग कोई जब भी आप लोग किसी अच्छे गेम्स पार्लर में गए हो तो वहाँ पे जो मूवमेंट के लिए जो भी जो कीज़ यूज़ होती है वो डेडिकेटेड, वो हम लोग वहाँ पे जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ माइक्रोफोन. सो माइक्रोफोन आप लोग यूज़ करते ही हो, ठीक है, आपकी ईयरफोन में जो सेक्शन होता है जिससे आपकी आवाज़ ट्रांसमिट होती है रिकॉर्ड होके, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है. सो आपको ईयरफोन बोल लो, या फिर अगर आप लोग बात करते हैं किसी भी, अगर पूरा साउंड सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे जो जो जिसको हम लोग माइक बोलते हैं, ठीक है, वही आपका माइक्रोफोन होता है. उससे क्या होता है कि वो आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है और फिर वो उसको कन्वर्ट करता है इंटू सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इलेक्ट्रिक सिग्नल वायर के थ्रू होता हुआ या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, वो क्या होता है, वो एम्पलीफायर में जाता है और फिर एम्पलीफायर से वो एम्पलीफाई हो गया, मतलब कि उसकी जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है, फिर उससे क्या होता है वो पूरे स्पीकर से आपको पूरे मतलब एरिया के अंदर उसको सुनाई देती है. तो माइक्रोफोन ने क्या किया, आपकी जो भी वॉइस को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद में वो उसको रिकॉर्ड कर लो या फिर आप उसको उसको और तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है. तो ये होता है वर्किंग आपका माइक्रोफोन. तो देखिए क्या कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस कैप्चर कर रहे हैं आपके सेंसेस को, आपकी वॉइस को या फिर आपके इनपुट्स को. ओके, नाउ लाइट पेन. सो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन जस्ट लाइक इट्स लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस कॉमनली यूज्ड टू सेलेक्ट और मॉडिफाई द डेटा ऑन द स्क्रीन. ओके, सो फोन के अंदर भी आप लोग स्टाइलस जो आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है, सैमसंग के फोन्स में पहले खूब आया करता था, अभी भी किसी किसी फोन के साथ आ रहा है, ठीक है. सो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोग पर्टिकुलर स्क्रीन को टच करके उसको जो उसको पॉइंट बता सकते हो, ठीक है. इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. सो इट इज अलाउ यूजर टू पॉइंट ऑन द डिस्प्ले ऑन द ऑब्जेक्ट और ड्रॉ द ऑन द स्क्रीन. इट्स ऑपरेशन इज सिमिलर टू द टच स्क्रीन बट हैज अ ग्रेटर पॉइंट पॉइंट सॉरी ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी. ओके, सो जैसे आप लोग टच पैड यूज करते हो सेम एज इट इज इसी का वर्क है, बट ये क्या और ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसकी पोजीशन और एक्यूरेट होती है, ठीक है. पॉइंटिंग डिवाइस है तो पोजीशन एक्यूरेट होनी होगी. सो इट इज इजी टू यूज एंड हेल्पफुल फॉर द प्रोग्राम लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ओके, सो कैट जब भी आप लोग डिजाइनिंग पार्ट जब की बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर डिजाइनिंग एरिया की, तो वहाँ आप लोग लाइट पेन का यूज करते हैं टू ड्रॉ एनी स्केच और लाइट पेन. नाउ वॉइस इनपुट डिवाइसेस स्पीच सॉफ्टवेयर, ठीक है. सो स्पीच सॉफ्टवेयर जैसे आप लोग वॉइस टू टेक्स्ट अगर आप लोग यूज कर रहे हो फोन में, तो दैट टाइम यू आर यूजिंग द वॉइस एज ए इनपुट डिवाइसेस. तो जो भी पर्टिकुलर डिवाइस है जो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कैप्चर कर रहा है या फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में हेल्प करने के लिए, ठीक है, तो वो डिवाइस भी आपके क्या कहलाती है, आपकी इनपुट डिवाइसेस. वो क्या कर रही है आपके वॉइस को उसको रिकॉर्ड करके उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है.
सो ये सारी चीजें। सो डिजिटल कैमरा की बात करते हैं हम लोग लास्ट में। सो डिजिटल कैमरा जस्ट लाइक योर वेबकैम, तो क्या करता है, पर्टिकुलर सीन को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद में उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है। सो ये डिवाइसेस के भी क्या कहलाएंगे, आपकी इनपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ गया, ठीक है। सो ये सारे थे आपके इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो द बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इसकी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, द डिवाइसेस व्हिच वी यूज टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर, दैट डिवाइसेस इज नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो आई होप अगर आप लोगों को कंफ्यूजन था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, सो ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ओके, बट अभी जब आप लोग बात करते हैं आजकल जो भी, जस्ट सपोज मैंने आपको बताया कि प्रिंटर का, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रिंट भी करता है और स्कैन भी करता है, तो वो डिवाइस पर्टिकुलर क्या कहलाएगा आपका, हाइब्रिड डिवाइस। वैसे ही आपका अगर फोन, अगर आप लोग बात करते हैं आपके मोबाइल एंड्रॉइड फोन की, तो अभी जो स्क्रीन आपकी जो कहलाती है वो एज ए इनपुट भी काम कर रही है और आपको आउटपुट शो करने का भी काम कर रही है, ठीक है। तो वो जो इनपुट, वो जो स्क्रीन है वो भी आपकी एज ए हाइब्रिड हो गई, ठीक है। तो अगर वो टच पैड जब आप लोग बात करते हैं कि हाँ ये इसका टच पैड है, तो वो टच पैड आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगर आप लोग उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो और आप कुछ शो कर रहे हो, तो वैसे आउटपुट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आजकल के जो टाइम में जो डिवाइसेज हैं उनको क्या कर दिया गया, हाइब्रिड कर दिया गया, ठीक है। एक ही डिवाइस से अलग अलग वर्क में लाने के लिए उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि दो तीन डिवाइसेज को मर्ज करके एक ही डिवाइस में हम लोग उसको यूज करने लगे हैं, ठीक है, टू कंज्यूम लेस स्पेस। ओके, सो ये सारा क्या टेक्नोलॉजी को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, सो कन्वर्जेंस मीन व्हाट, द व्हेन वी मर्ज टू और मोर टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस टू गेट अ न्यू एंटिटी और टू गेट अ न्यू वर्जन ऑफ टेक्निकल डिवाइसेस। ओके, सो दिस सिनेरियो इज नोन एज अ कन्वर्जेंस। ओके, सो इन दिस वीडियो इट्स इनफ फॉर नाउ। So in the next video, you will learn about the basic theme of the output unit. Okay. So watch this video again. And if you have any doubt regarding the input or output devices, you can write me in your comment section or you can message me. So till the next video, stay happy and stay safe. Thank you.